केदारनाथ की पहाड़ी के ऊपर मंदिर के पीछे की साइड बड़े बड़े ग्लेशियरों के दो पहाड़ हैं, और सुना जा रहा है कि उसके ठीक पीछे बादल फटा और पीछे एक बहुत बड़ी झील है, उसमें इतना तेज प्रेशर आया कि उसने पहाड़ को फाड़ के रख दिया, और पहाड़ फट के पूरा पत्थर, ग्लेशियर, बड़ी बड़ी चट्टाने, मिट्टी, रेत और पानी, इन तीनों चारों चीजों ने मिलकर के सीधा टारगेट किया केदारनाथ मंदिर का। और उनका सीधा टारगेट इतना भयानक था कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पर, उनके मकानों के आसपास जो बसावट थी मंदिर के आसपास, उस पर इतनी भयानक चट्टानें गिरी और पानी गिरा कि वहां लोगों को पलक झपकते लील गया और उठा उठा के नीचे उफनती हुई ठंडी बर्फीली मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। इतना भयानक मंजर था वो, क्योंकि वहां पर जिस जिसने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है वो जिंदा किस्मत वाले ही लोग बचे हैं। कुछ लोग मिले हमको जो हम नीचे उतर चुके थे, वो कुछ लोग हमको मिले, उन्होंने जो वृतांत सुनाया वहां का, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। लोग जो पहाड़ियों में से नीचे उतर रहे थे, जो मेन स्पॉट केदारनाथ मंदिर के आसपास के लोगों को तो भागने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन जो वहां से थोड़ा सा पार होकर नीचे की ओर उतर रहे थे, जब उनके ऊपर पूरा प्रलय आया तो वो लोगों ने अपना ग्रुप बना के हाथ पकड़ पकड़ के वो नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन पानी की 50-50 फीट मोटी धाराएं उनके ऊपर सतत प्रहार कर रही थी। पूरे पहाड़ों के ऊपर से पानी के अलावा कुछ नहीं बह रहा था, पानी, चट्टान, रेत, इतनी खतरनाक मिट्टी के मलबे, इतने खतरनाक रूप से कि अगर 25 लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे को सहारा देके रेंगते हुए और चट्टानों के किनारे से बसते हुए जा रहे, उसमें से एक चपेट में आता नीचे नदी में भेजा था, दूसरा आता नदी में भेजा था, ऐसे करके पता चलता कि आधा एक किलोमीटर में 25 में से 5 लोग बच रहे, बाकी सब चट्टानों के नीचे नदी में भेजा रहे। इससे भयंकर और विभत्स हादसा हुआ कि हमारे सुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे साथ एक दंपत्ति बचे थे, उनको मैंने रामपुर में रोक करके उनको सहारा दिया, अपनी गाड़ी में ऋषिकेश तक छोड़ा, 3 दिन, अब 4 दिन अपने साथ था। वो वहां के साक्षी थे, वो किस्मत वाले थे, 6 बार मौत के मुंह से बच करके वो नीचे मेरे तक पहुंचे थे, मुझ तक पहुंचे। उन्होंने 84 लोगों का दल था उनका, उसमें से केवल वो 2 जिंदा बचे थे, उनकी 2 गाड़ियां बह गई। नीचे यानी बेस कैंप, केदारनाथ की पहाड़ी से नीचे का एक बेस कैंप आता है, उसको गोरीकुंड बोलते हैं, वो 14 किलोमीटर नीचे, वहां से केदारनाथ की चढ़ाई और उतराई शुरू होती है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहां चल सकते हैं, हम 6 बजे वहां से निकल पड़े और 5:30 बजे निकले और 7:30 बजे नीचे गोरीकुंड पे उतर गए। इसी बीच वहां पे धूप अंधेरा था, हो चुका था 7 बजे बाद रास्ते में। हमारे घोड़े वाले ने बताया, भैया मैं यहाँ के मौसम से परिचित हूँ, उससे हमारी बहुत अच्छी संबंध बन गए थे, उसने बोला जितनी जल्दी आप यहाँ से उतरेंगे आप फायदे में रहेंगे। वहां के पूरे 14 किलोमीटर के रास्ते में एक बल्ब भी नहीं है लाइट का, इतने महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के, दुर्भाग्य की बात है वहां के सरकार के लिए और शायद हमारे लिए, कि सदियों से चले आ रहे इस तीर्थ में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हमने उसकी बात मानी, नीचे उतर पड़े। हम गोरीकुंड पर रात को 7:30-8 बजे उतरे तो और घनघोर बारिश शुरू हो गई, पूरे रास्ते में बारिश थी लेकिन कम थी। रात को 8 बजे तेज बारिश शुरू होना शुरू हुई, हमारी गाड़ी वहां से 5 किलोमीटर दूर कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। हमने जैसे तैसे उसको कॉन्टेक्ट किया, गाड़ी वाले को, उससे बोला कि आप गाड़ी लेकर के आ जाए तो हम लोग यहाँ से निकल चले। वो 1:30 बजे रात तक तो नहीं आया। हमने फिर उसी बीच में 11-12 बजे के आसपास एक होटल ले लिया, एक होटल में रुक गए हम। वो होटल मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे पे बसा हुआ, तो उसके ठीक नीचे मंदाकिनी उफनती हुई भयानक शोर करती हुई बह रही थी। रात भर हम उस होटल में जैसे तैसे रात गुजारी, डर के मारे हमको नींद नहीं आ पा रही थी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और इतनी उफनती हुई नदी में हम समझ नहीं पा रहे थे, दहशत में आ गए थे हम लोग कि ये क्या हो रहा है पीछे इतना। सुबह 7 बजे हमने वो होटल छोड़ दिया, 7:30 बजे के आसपास, और हमारी गाड़ी का रास्ता देखने लगे। 1 घंटे तक गाड़ी का कुछ पता नहीं चला, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था, मोबाइल ढंग से लग नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि चलो अपन गाड़ी को मैं जाता हूँ पैदल पैदल, 3-4 किलोमीटर होगी, मैं वहाँ पैदल पहुँच गया 2 किलोमीटर आगे तक में, और गाड़ी को देखा तो गाड़ी पूरी जाम में फंसी हुई। 3 घंटे तक वापस आने का कोई उम्मीद नहीं थी, अगर 2 किलोमीटर वापस आते और जाते तो 3 से 4 घंटे लग जाते थे। मैंने उन सबको वहीं से फोन किया कि आप जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, गिरते पानी में, किसी और गाड़ी में, कहीं से भी लिफ्ट लेकर के आप ये 2 किलोमीटर आगे गाड़ी खड़ी है सोन प्रयाग के, वहां पर वहां आ जाए। इन्होंने मेरी बात मानी हमारे साथी दल में, और लौट करके सोन प्रयाग पे पार्किंग तक जैसे तैसे 1 घंटे में पहुंच गए। 1 घंटे बाद में हम सोन प्रयाग में ट्रैफिक में फंसते हुए कैसे भी करके रामपुर तक आ गए, 5 किलोमीटर। उसके बाद हमको पता चलना शुरू हुआ, जब भगदड़ मची और खूब अराजक स्थिति फंसी, अपने तलाश के, तो पता चला कि वो जिस होटल में हम रुके थे
वो सारी होटल एक घंटे बाद साफ हो गई, नदी में समा गई, पूरा कुरिकुंड साफ होना शुरू हुआ। क्योंकि यह हादसा सुबह 8 बजे के आसपास केदारनाथ पहाड़ी पे शुरू हुआ था और एक घंटे बाद में नीचे 14 किलोमीटर नीचे सारा तबाह होना शुरू हुआ। वहां पर मेरी नजर के अनुसार कम से कम 400 से 500 गाड़ियां नीचे सोनप्रयाग छोटी पार्किंग, बड़ी पार्किंग, सीतापुर पार्किंग, 500-600 गाड़ियां वहां पर थी और सड़कों पर कतारें लगी थी गाड़ियों की, मतलब कम से कम 100-200 गाड़ी 3-4 किलोमीटर एरिया में लगी हुई थी। किस्मत वाले से शुक्र किया कि चलो भगवान ने, ईश्वर ने रक्षा की, लेकिन पीछे पता चला कि वो जो गाड़ियां जो बही नदी के अंदर, उन्होंने नदी का रास्ता रोक दिया। वो रास्ता जैसे ही रोका तो नदी तो उफन रही थी, वो उफन के कम से कम 100-200 फीट ऊपर उछली नदी इतने प्रवाह में, इतने वेग में, और वो पूरी आ गई सड़कों पर। और सड़कों पर जितने वाहन और लोग दौड़ रहे, भाग रहे थे, बच रहे थे, उन सबको खींच के नीचे, ऐसा लगे कि काल ने चुन चुन के ऊपर से नीचे खींच लिया सबको। सारा इलाका साफ, सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ की इतनी तबाही हुई है और कि उसको बयां भी नहीं कर सकते। जो लोग बच के आ रहे थे, वो हादसे का जो वृतांत सुना रहे थे, उसको रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किस्मत वाले लोग हमको मिले 2 दिन बाद जो बच के आए। प्रशासनिक अव्यवस्था केदारनाथ से लेकर के हरिद्वार ऋषिकेश तक मेरे को एक सिंगल कैंप नहीं दिखा है, एक सिंगल आपदा कैंप नहीं दिखा, एक दवाई का, एक खाने का। यात्री भूखे प्यासे जो स्टॉप था रास्ते में, जो जिस भाव में जो मिल जाता वो खा के आगे बढ़ते रहे। उसके बाद में एक और प्रशासनिक व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। वहाँ पर देवी आपदा के नाम से एक डिपार्टमेंट रहता है केदारनाथ और पूरे चार धाम के रास्ते में। उनको एक एक डिपार्टमेंट को 50-50 किलोमीटर रास्ते साफ करने का प्रभार दिया जाता है। 5 किलोमीटर आगे वहाँ पर फंस चुके थे, आगे 3-4-5 पहाड़ एक साथ धसे हुए थे, 10 जगह कम से कम लैंडस्लाइड हुआ था। हमने 2 दिन फंसे रहने के बाद में हमने हिम्मत की कि आखिर स्थिति को जाने कि इसको साफ कौन करेगा। हमने जब 5 किलोमीटर एरिए में पैदल चल करके जब तलाशना शुरू किया तो एक जेसीबी वाला हमको मिला। हमने लोगों से तलाश करा कि आप कौन है, तो बोले वो चाय पी रहा है वहां बैठ के। 2 दिन से वो हमारे पास 3 बार आ गया, हमको बता नहीं रहा है कि मैं ही जेसीबी वाला हूँ। हम बार बार परेशान हो गए। आखिर ये हुआ कि जेसीबी वाले के पास में हमने पूछे, हमने कहा भैया ये रास्ता साफ करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको साफ करें, हम यहाँ से आगे बढ़े नहीं तो और पहाड़ धंसते जा रहे लगातार, कैसे साफ होगा। वो बोले जब बारिश रुक जाएगी तब मैं करूंगा, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ अधिकारी। मैंने कहा आपके अधिकारी? तो बोले एक अधिकारी मैं उनको ढूंढता हूँ। तीसरे दिन जब धूप खिली, मौसम साफ हुआ तो उसको हमने पकड़ा, वो अपने एक अधिकारी को लाया। अधिकारी के साथ आया तो एक जेसीबी खड़ा था, हमने कहा आप जेसीबी लेके आओ। तो जेसीबी लाने में काफी देर लगा दी, जब तक हम लोगों ने तय किया कि यार यहाँ से निकलना है जिंदा बच के तो रास्ते को खुद ही साफ करना पड़ेगा। हम 3 लोगों ने 20-30 कार्यकर्ताओं को वहां पर गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को इकट्ठा किया, अलग अलग प्रांतों के लोग थे। हमने कहा देखो अगर यहाँ से जिंदा बचना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने हाथ से पत्थर उठाना शुरू किए गिरते मलबे में से, और पत्थर उठा उठा के खाई में फेंकना शुरू किए नदी में नीचे। इसी बीच 1 घंटे में वो जेसीबी वाला वहां पर आ गया, जेसीबी सामने खड़ा था, वो आ गया। जब उससे पूछा भैया शुरू करें, तो बोले मेरे पास तो डीजल ही नहीं है। अधिकारी से बात की, मैंने कहा चलिए आपके पास नहीं है तो आप आगे आपके डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को मैसेज करें और वहां से आप सहायता बुलवाएं। तो बोले मेरे पास फोन सेलफोन बंद हो गए थे 9 बजे, शासन ने वहां के सारे मोबाइल टावर्स को बंद कर दिया था जो 4 दिन तक नहीं खुले थे। हमने पूछा कि अब क्या कर सकते हैं, आपके पास वॉकी टाकी होगा? तो बोले वॉकी टाकी भी नहीं है मेरे पास, आगे सूचना पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है और पूरे रास्ते में जाम लगे तो कोई वहां से सहायता भी नहीं आ सकती। मैंने कहा आपको किस चीज की जरूरत? तो बोले हमारे जेसीबी के पास डीजल नहीं है, पीछे जो गाड़ियों का कम से कम 300-400-500 गाड़ियां आती लगभग। उन लोगों से बात करी, हमने कहा अगर रास्ता चाहिए तो डीजल देना पड़ेगा, एक 2-2 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, जिसके जिसके पास जितना स्टॉक था 100-200 लीटर डीजल उसको दिया। उसने जब डीजल मिला तो रास्ते साफ करने का शुरू करे। 2 दिन उसको रास्ते साफ करने में लगे, 3 पहाड़ एक साथ गिरे हुए थे, 1.5 से 1.5 दिन उसको लगे। 1.5 दिन के बाद में हम वहां से आगे निकले तो 10 किलोमीटर फाटे तक उस गाड़ी को हम अपने साथ लेते हुए गए। हम 500 गाड़ियों के काफिले को लेकर के फाटा नाम के स्थान पे पहुंचे जो केदारनाथ से 10 किलोमीटर दूर है, गोरीकुंड से 10 किलोमीटर आगे फाटा। जब वहां पहुंचे तो देखा तो वहां तो और विभीषक स्थिति थी, वहां तो पूरी की पूरी 50 फीट की सड़क खाई में मिल गई और पूरा रास्ते में खाई बनी हुई। हमने फिर डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, जब देखा कि यहां से कैसे निकल सकते हैं, यहां तो 1-2 महीने तक निकलने का कोई चांस ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं आगे निकलने का। तब हमने उसके साइड में पहाड़ था,
हमने ये डिसाइड किया कि जेसीबी से पहाड़ को काट दिया जाए। 1.5 से 2 दिन तक उस पहाड़ को हम काट करके 20 फीट का एक रास्ता बनाया, सवारी उतार के गाड़ियों को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस बीच हमको पूरे रास्ते में कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई डिपार्टमेंट के लोग नहीं मिले। वो अकेला अधिकारी था, हमारी हिम्मत के कारण वो काम करता रहा जेसीबी वाला, और वो एक सिंगल अधिकारी। उससे आगे बढ़ के हम जैसे तैसे 4थे दिन हम गुप्तकाशी पहुंचे। 4 दिन बाद गुप्तकाशी पहुंचे, वहां पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। स्थानीय लोगों से और नक्शे की मदद से हमने रास्ता तलाशना शुरू करा ऋषिकेश तक जाने का। 2 रास्ते थे, एक गुप्तकाशी से कुंडा चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए ऋषिकेश। जब स्थिति पूछी तो गुप्तकाशी के ठीक आगे कुंडा में पूरा पुल बह गया था। कम से कम वहां 1 से 2 महीने लगना थे। न कोई मिलिट्री थी, न कोई प्रशासन था, कैसे रास्ता बनता मालूम नहीं। हमने कहा ये तो पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है, चमोली रुद्रप्रयाग सब दूर। तलाश करते करते पता चला दूसरा रास्ता पूछा तो एक रास्ता उन्होंने बताया, एक रास्ता है खतरनाक है, 80 किलोमीटर दूर मयाली नाम का एक गांव है, आप मयाली पहुंच गए तो वहां से आपको सही रास्ता पकड़ लेंगे, लेकिन बस प्रशासन ने बोल दिया यहां से चले जाओ मयाली के रास्ते। वो साक्षात अमृत की पहाड़ियों पे पूरी रात चले हैं, शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 80 किलोमीटर पार किया, और लगभग पूरा रास्ता 35 किलोमीटर में पूरी रात लग गई हमको। इस तरफ खाई, इस तरफ खाई, पीली चिकनी मिट्टी के पहाड़, ना इधर कोई सपोर्ट ना इधर कोई सपोर्ट, ऐसे ढलवा पहाड़, और उसपे से रेंगते हुए गाड़ी निकाली, राम राम करते हुए, केदार बाबा को प्रणाम आशीर्वाद लेते हुए, जपते हुए रात भर हमने निकाल के। पत्थर गिर रहे हमारे ऊपर, जाम लग जाता, पत्थर गिरते, मिट्टी गिरती, पानी गिरता, नीचे चिकनी मिट्टी, पानी पानी भरा हुआ। 1000 गाड़ियों का काफिला हमारे पास गुप्तकाशी से इकट्ठा हो गया। हम सबको लेकर के आगे चलते, जहां जरा सा कोई रास्ता में डैमेज दिखता, पहाड़ गिरे हुए दिखते, हम उठाते नीचे फेंकते। हम सभी लोग कार्यकर्ता बन गए थे। प्रशासन ने हमको मोड़ा क्यों, हमको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा प्रशासन कैसे है, वहां पर किसको प्रभार दिया गया है, जो ये भी नहीं बता रहा है कि आगे इतने खतरनाक रास्ते पे 25 जगह लैंडस्लाइड है, गुप्त अंधेरी रात में डेंजर रास्तों पे लोगों को बढ़ा देंगे तो उनकी स्थिति क्या। 2 गाड़ियां गिर चुकी थी इस बीच में खाई के अंदर हमारे पीछे, कम से कम हमारे 300-400 गाड़ियां पीछे थी, 2 गाड़ियां गिर गई। ईश्वर की कृपा थी जो हम गुप्तकाशी से मयाली और टीहरी डैम पे पहुंचे। टीहरी डैम के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो प्रशासनिक नहीं थे, टीहरी डैम वाले जो स्वयं सेवी उन लोगों ने अपनी जेब से वहां पर कैंप बना रखा था, पैसे खर्च करके उन्होंने हमको खाना दिया, पानी दिया, जो दवाइयां दी थी वो सब लोगों को सेवा की। वहां से ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए बाहर निकले। पूरे रास्ते हम ये ढूंढते रहे कि इंदौर के जो लोगों की सूचना है हमारे पास है, उनसे संबंधित जो लोग थे इंदौर के, वो वहां पर अटके हुए, उनकी स्थिति क्या है, वो गुम हो चुके थे, उनके बारे में हम यहाँ पर प्रशासन को लिखवा के जाए। पूरे टिहरी डैम पे हमने एकमात्र वो लोग मिले जिनको हमने लिखवाया। बस जब वो 3रे दिन नेपाली वो पहाड़ी लोग जो घोड़े चलाते हैं, वो मैक्सिमम 75% नेपाली लोग घोड़े और कंडिया चलाते हैं, कंडिया ने पालकी, वो पीछे टंगा हुआ टोकरी, जब वो बैग अपने बैग ले लेके आ रहे थे तो रास्ते में 2 पुलिस वाले थे, वो लोग उनकी बैगों की तलाशी कर रहे थे। इसका मतलब ये कि उनको सूचना मिल चुकी थी कि जो केदारनाथ गोरीकुंड से केदारनाथ के ऊपर 14 किलोमीटर में जो लोग मरे, जो बचे हैं, उन लोगों के सामान शायद लूट के वो लोग आ रहे हैं। तो ऐसा अंदेशा हो सकता है कि स्थानीय लोग अच्छे हैं वहाँ के, लेकिन वो मदद नहीं करते हैं। वो दुकानदार लेके, जो दुकान लेके बैठे हुए हैं, वो 4 दिन तक मैं देख रहा था वो जो चीज थी वो MRP पे बेच रहे थे। 5 रुपये का बिस्किट 5 रुपये का ही बिक रहा था, पानी की बॉटल 20 से 30 रुपये की बिक रही थी। कुछ लोग अगर हो जाते हैं 100 में से 10 लोग ऐसे जो मनमाना दाम वसूलते हैं, लेकिन ये खबरें गलत थी कि 5 का 500 में या बहुत मनमाने दामों पे, क्योंकि हम शुरू के 4 दिन वहाँ फंसे थे, 5वें दिन तक वहाँ फंसे थे, तब तक तो ये स्थिति नहीं थी, और हम जहाँ थे उस वक्त उनका स्टॉक खत्म हो चुका था। तो उसके बाद की स्थिति में अगर ये किसी की जानकारी में आई हो तो मुझे नहीं मालूम। गोरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 25,000 से लोग ज़्यादा थे, वहाँ से ज़्यादा लोग थे। 4 दिन में वहाँ से जो बच के लोग बच के पहाड़ों के अंदर से आ रहे थे, पहाड़ों के अंदर से जो बच के लोग आ रहे थे, उनकी संख्या 500,000 भी नहीं होगी, मुश्किल से 500 लोग होंगे। तो ये आंकड़े सरासर गलत है, 25,000 लोग कहाँ गए, वहाँ पर नामो निशान नहीं बचा। केदारनाथ, रामबाड़ा, गोरीकुंड, सोनप्रयाग 16 किलोमीटर का हिस्सा,
जमीन बन चुका है, रेत का ढेर, पत्थरों के ढेर बन चुके, वह नामो निशान भी नहीं है जीवन का, अस्तित्व का। तो हजार आंकड़े कहा जाए तो 25,000 से ज्यादा लोग गए का है, ये गलत है कि 1,000 लोग मरे। जो लोग मरे हैं वो उनको 1,000-5,000 लोग तो केवल पहाड़ों पे ठंड से और पानी से मर गए, जो पत्थर गिरने से, फिसलने से, नदी के चपेट में आने से जो मरे हैं, वो नदी, उपंती नदी में बने हैं, उनका तो शायद पता किया ही नहीं जाता।